Question number 11. Write a program in C++ to print the output as given below by using the while loop structure and setw manipulator. अब यहाँ पे आप रोज देख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी रोज हैं और इन रोज के अंदर आप ये देख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स टाइम्स पहले प्रिंट होता है एक्स, फिर 5 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम और 1 टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब है आउटर लूप जो है वो 6 टाइम चलेगा और इनर लूप जो है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका लूप एग्जीक्यूट होगा. यानी उसका लूप वेरिएबल की कंडीशन वो बेस करेगी आपकी इनर लूप की कंडीशन के ऊपर. नाउ और इसको बनाना है हमने यूजिंग व्हाइल लूप. स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग. इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, इसके अलावा सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर का भी हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी है. ये सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर की हेडर फाइल. नाउ कम्स द मेन फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग व्हाइल लूप सो वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स बिफोर स्टार्टिंग द लूप. ठीक है, बिफोर गिविंग द कंडीशन हमें लूप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा और इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा. यू हम कंसीडर करते हैं आउटर लूप वेरिएबल है और इस आउटर लूप वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करवाते हैं बाय 1 व्हाइल कंडीशन अप्लाई करते हैं. 6 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना है. ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी. उसके बाद इनसाइड दिस लूप देयर कम्स अनदर लूप जिसका लूप वेरिएबल हम i कंसिडर करते हैं और इसकी वैल्यू हम इक्वल टू 6 कंसिडर करते हैं. वाइल क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें 6 स्टार्स को प्रिंट होना है. अब कंडीशन अप्लाई करते हैं वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू u दिस लूप विल एग्जीक्यूट. और एग्जीक्यूट करेगा तो क्या प्रिंट करवाएगा, इसको प्रिंट करवाना है कैपिटल एक्स इसके बाद आई के अंदर डिक्रीमेंट करवाए और ये टर्मिनेट हो जाए और टर्मिनेट होने के बाद कंट्रोल जो है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाए एंड एल करके और यू के अंदर यू वेरिएबल के अंदर एडिशन हो 1 की. यहां पे आउटर लूप वेरिएबल आउटर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी ब्रेसेस एंटर करेंगे, रिटर्न 0 और ये बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 11 का. इसकी आउटपुट देख लेते हैं. ये इसकी आउटपुट आपके सामने शो हो रही है. अब इसी आउटपुट को बाय यूजिंग द सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है. आपने उसकी शक्ल जो है वो कैसी बनानी है, लाइक दिस. उसकी जो आउटपुट है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से शो होनी चाहिए, जबकि आपके पास जो डिस्प्ले हो रहा है वो इस तरह से शो हो रहा है. तो अब हम सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर को यूज करेंगे ताकि आउटपुट ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
डिस्प्ले। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं आउटर लूप के अंदर ही W का फैक्टर, और W को हम इक्वल टू अगर कंसीडर करते हैं 12। सबसे पहले इनिशियलाइज होने के बाद, बल्कि इस लूप इनर लूप से भी पहले सी आउट हम करवाते हैं सेट W लूप वेरिएबल, ठीक है। अब इससे देखते हैं क्या इफेक्ट होगा, आइदर के हमारा आंसर ठीक आएगा। तो अब भी हमारा आंसर जो है उसी के शिफ्ट के साथ आ रहा है। अब इसको चेंज करने के लिए एडिशन करवाते हैं। एडिशन करवाने से आप ये देख रहे हैं कि आउटपुट जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आ रही है जैसे कि हमें रिक्वायर्ड है बुक के अकॉर्डिंग। अब यहां पे आप देख सकते हैं सिंपल क्या किया गया है कि 6 का डबल ले लिया है विड्थ को और उसको ऐड करवाएंगे ईच टाइम आउटर लूप, जब नेक्स्ट टाइम आइटरेशन करेगा तब W के अंदर 1 का एडिशन होगा और उस एडिशन की वजह से आपका आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंग टू द बुक या इस तरह से डिस्प्ले होगा।